एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सुप्रभात आप सभी को. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र IAS एकेडमी में. तो आज दोस्तों 12 अगस्त है और आज का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे हिंदी न्यूज़पेपर में, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं. तो आज 12 अगस्त है. आई होप यू आर डूइंग वेल, रीडिंग वेल एंड एवरीथिंग. एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस बाय द कुरुक्षेत्र IAS अकेडमी. तो जो पहला न्यूज़ था वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड था. इसको हम GS पेपर 2, डेट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करेंगे. बेसिकली एन एवरेज जो न्यूज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने यू नो लाइक द न्यूज़ इज अबाउट what are the reports are released by the international energy agencies, then how it's going to like we it was the it was in the news like though in India the consumption of the AC is very higher, like but efficiency is not good as compared to the other countries. So isse related tha. To isse basically aaiye hum dekhte hain ki an average consumer in India tends to buy the least efficient air conditioner. अगर एयर कंडीशनर लीस्ट एफिशियंट है, मतलब वो रेटिंग्स वगैरह ना जो 5 star 4 star रेटिंग्स होते हैं, तो अगर लीस्ट एफिशियंट होगा तो एमिशन ज़्यादा होगा ग्रीन हाउस गैसेस के, तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस भी में लीड करेगा. तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ था. लाइक जो इंडिया में बायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव रिसेंटली. लाइक हीट वेव वाज आल्सो इन द न्यूज़, राइट? सो इंडिया में जो कंज्यूमर है टेंड्स टू बाय द लीस्ट एफिशिएंट एयर कंडीशनर इन द मार्केट, अ रिसेंट एनालिसिस बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऐसा उन्होंने कहा है. तो बेसिकली हमें मतलब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD फ्रेमवर्क. ओके, इट वर्क विद द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रीज टू सेफ अ सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल. इट वॉज फाउंडेड इन द 1974 टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द ऑयल सप्लाईज. सो बेसिकली इट वॉज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द 1973-1974 जो ऑयल क्राइसिस था. एंड वेन ऑयल एम्बार्जो बाई द मेजर प्रोड्यूसर्स पुश द प्राइस टू हिस्टोरिक लेवल. एंड सो इट हमें इतना इसका हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको OECD फ्रेमवर्क के अंतर्गत में इसको बनाया गया था. ठीक है, इसमें बेसिकली 31 मेंबर कंट्रीज हैं एंड 11 एसोसिएशन कंट्रीज हैं. अ कैंडिडेट कंट्री टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD. एंड इंडिया ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था एज एसोसिएट मेंबर. रिपोर्ट क्या क्या पब्लिश होता है बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज, लाइक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड नेट जीरो बाय द 2050. देन सेकेंड जो न्यूज़ था वो हाई यील्डिंग वेराइटीज क्रॉप से रिलेटेड था. इसको हम GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट करेंगे. तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने रिलीज़ किया है 109 हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द क्रॉप जो क्लाइमेट रेजिलियंट है एंड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप एट द IARI, दैट इज द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली. तो बेसिकली हाई यील्डिंग वेराइटीज होते क्या हैं, तो ये स्ट्रेन होते हैं क्रॉप्स के दैट हैव बीन सेलेक्टिवली इसको ब्रीड किया जाता है, जेनेटिकली इनको मॉडिफाई किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंटली मोर आउटपुट पर एकर देन द ट्रेडिशनल वेराइटीज. दिस वेराइटीज वेर अ की कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन विच बिगैन इन द 1940 एंड एक्सेलरेटेड इन द 1960. तो इसका बेसिकली एम है टू इंश्योर द फूड प्रोडक्टिविटी एंड सप्लाई ऑफ द फूड इन द अवर कंट्री, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटीज क्रॉप,
दे आर हाईली पोटेंशियल शॉर्ट ग्रोइंग साइकिल होता है रिस्पॉन्सिव टू द फर्टिलाइजर दैट इज टिपिकली रिस्पॉन्ड होते हैं टू वेल टू द फर्टिलाइजर विच कैन फर्दर एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी. देन ये डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं आप ब्रीड टू रेजिस्टेंट टू द स्पेसिफिक डिजीज ऑफ द पेस्ट रिड्यूसिंग द नीड फॉर द पेस्टिसाइड्स. अडेप्टिबिलिटी इनके अडेप्टिबिलिटी बहुत हाई होता है किसी भी मतलब स्पेसिफिक क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन की इनको ज़रूरत नहीं होता है. देन कॉमन हाई यील्डिंग क्रॉप्स अभी तक है जैसे कि वीट है देन राइस है मेज है सॉर्गम एंड मिलेट्स. थर्ड जो न्यूज़ था वो पर्सिड मीटियोर सफर से रिलेटेड था. इसको हम GS Paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे. ये जो मीटियोर शावर है ये हर साल अगस्त के महीने मिड ऑफ द अगस्त के देखने को मिलता है. तो इट्स पीक एक्टिविटी इज गोइंग ऑन नाउ बिटवीन अगस्त 11 to 13. द शावर शुड बी विजिबल टू द नेकेड आई इन द मेनी प्लेसेस बिटवीन द मिड नाइट एंड द डॉन स्पेशली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. सो बेसिकली हमारे प्रिलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है द पर्सिड मीटियोर शावर जो है बिलीव टू डेराइव इसका नाम डेराइव किया गया था फ्रॉम द पर्सिसियस कॉन्स्टलेशन से. ठीक है कॉन्स्टलेशन तो यू नो ये आप सभी को पता होगा दैट इज़ अ कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज राइट. सो इट पीक्स ड्यूरिंग द मिड ऑगस्ट ईच ईयर एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अमंग द बेस्ट मीटियोर शावर. तो पर्सिड यूजली स्विफ्ट एंड ब्राइट होता है लीव अ ट्रेल ऑफ द लाइट एंड कलर बिहाइंड देम एज दे ट्रैवल्स थ्रू द नाइट स्काई. So basically it is also one of the most plentiful showers with a nearly 100 meteors seen per hour. Often generate the fireballs. Fireballs are like big burst of light and color that last longer than the regular shooting star. This happens because of the fireballs come from the larger pieces of the material from the comets. मीटियोर शावर से इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि मीटियोर क्या होता है मीटियोराइट्स क्या होता है मीटियोराइट्स क्या होता है. अ मीटियोर इज अ स्पेस रॉक डेट कम इन टू द अर्थ एटमोसफियर. ठीक है ये एक रियली हॉट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द ब्राइट स्ट्रिक विश इज नॉट द रॉक इटसेल्फ बट द हॉट एयर अराउंड इट. द स्पेस रॉक्स हिट द एटमोसफियर ओवर द अर्थ टूगेदर वी कॉल इट एज ए मीटियोर शावर. दिस मीटियोर ट्रेवल एट द इनक्रेडिबल स्पीड रीचिंग द टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर पर आवर बिफोर डिस इंटीग्रेट ड्यू टू द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन विद द एटमोसफियर. सो थैंक यू सो मच. जो भी आपको इंक्वायरी है आप हमें इस नंबर पर कॉल करिए एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डैट इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक Krushetra IAS Academy and also you can mail us on info@krushetraiasacademy.com. Thank you so much.